करते हुए यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पर्दाफाश हो गया, और यहाँ आ करके हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे, ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? काम है प्रधानमंत्री का, खिलौना बना दिए क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने? कहने का तत्पर तो यही है, 5 लाख नौकरी मिला ना, किसका लिए? जरा आदमी खड़ा कर दो, ये सब फालतू का बात, यहाँ कुछ पच नहीं रहा बोलने के लिए, 10 साल कुछ किए नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में माहौल जो है वो चुनावी है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही है, आर पार की लड़ाई तो छिड़ी ही है, आमने सामने का भिड़ंत भी दिख रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां बिहार में हो रही है, लेकिन कल जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जेल भेजने की बात खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इसके बाद से बिहार में बवाल शुरू हो गया है। देखिए, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि जरा छू कर तो दिखाइए। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि अरे बिहार में आकर बताइए ना कि काम क्या क्या किया है आपने, 10 सालों में बिहार के लोगों के लिए क्या किया है। जरा तेजस्वी यादव को सुनी। प्रधानमंत्री जी को तो हमने चिट्ठी लिखा है और तथ्यों की जानकारी दी है, थोड़ा ज्ञान वो भी वृद्धि कर ले इन तथ्यों को देखते हुए। यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पर्दाफाश हो गया, सबूत के साथ भेजे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर ले प्रधानमंत्री, और यहाँ आ करके हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे, ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे, और जिसको नहीं मन किया, जैसे महाराष्ट्र में केस खत्म करा दिया, मंत्री बना दिया, यही काम है प्रधानमंत्री का, खिलौना बना दिए क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने? कहने का तत्पर तो यही है कि सीबीआई ईडी प्रधानमंत्री का कठपुतली है, खिलौना है, जांच एजेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, जांच होती नहीं है, खाली प्रधानमंत्री का मन किया इसको उठा लो उसको छोड़ दो, इसको उठा लो उसको छोड़ दो, यही काम है प्रधानमंत्री का। सारे हमारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने, ये बिहार है, और नौजवान जो नौकरी देने की बात करता है आप उसको जेल भेजने की बात करते हैं, जिसने नौकरी दी उसको जेल भेजने की बात करते हैं, इतना नफरत है इनको युवाओं से, इनको इतना नफरत है नौकरी देने से, ये साबित हो गया। लेके आपने जो बात कही थी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि नौकरी तो देगा लेकिन जमीन फिर से लेगा। अच्छा, किसका जमीन ले लिए 5 लाख में से? कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के बगल में ही जमीन। अरे 5 लाख नौकरी मिला ना, किसका लिए? जरा आदमी खड़ा कर दो, ये सब फालतू का बात, यहाँ कुछ पच नहीं रहा बोलने के लिए, 10 साल कुछ किए नहीं। भाइयों बहनों, क्या किए भाई और बहनों के लिए, या मित्रों के लिए क्या किया? यहाँ के बकैती करने से नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, काम का हिसाब देना पड़ेगा। एक नौजवान 34 साल युवा बिहारी से डर गए? हिसाब दो हिसाब। मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनाव के बाद 1 लाख नौकरी देंगे और विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी का वादा था वो पूरा हो, वही प्रक्रिया थी जो अब करके आए हैं, तो असंभव है, कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा? संभव कैसे हो गया? मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी ने कुछ सिखाया, कुछ बताया? उसी के पैटर्न पे चल रहे हैं ना, वो तो छोड़ो, आज कह जो जानता भी नहीं था कख वो बोल रहा कि हम दे देंगे, समझ रहे हैं? ये है तेजस्वी की ताकत, ये तेजस्वी की ताकत है। तो नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव ने सीधा प्रहार किया है। तेजस्वी ने पूछा है कि अरे बिहार में काम कुछ किए हैं, ईडी सीबीआई को तो एकदम अपना गुलाम बना लिए हैं, सब कुछ तो यही ना करते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।